हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि जो इंदौर में जो आश्रम है कठौदा में, तो वहाँ पर जो भंडारा बनने की प्रक्रिया रही वो कैसे चल रही थी, है ना। अभी दिव्य धर्म यज्ञ हो रहा था तो वहाँ पर भंडारा कैसे बन रहा था, तो सब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, कंटिन्यू चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं, तो आपको सब कुछ दिखाता हूँ। बोरी रखी हुई है आटा की, और देख सकते हैं घी भी रखी हुआ है, बहुत सारा घी है यहाँ पर, है ना। देख सकते हैं आटा रखे हुए हैं बोरी पर। चलिए और आपको आगे दिखाते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पर अभी लगे हुए हैं भगत लोग सेवा करने में। तो अभी हम आगे आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर फुलका रखे जा रहे हैं, है ना। गंजे में, बड़े से गंजे में फुलका रखे जा रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। अभी आपको उसकी मशीन भी दिखाते हैं कि कैसी है वो मशीन जिसमें ये बन रहे हैं। देख सकते हैं ये आगे आपको मशीन दिख रही है, इतना गाड़ी में आया कर फुलका आते जा रहे हैं सिक सिक कर। देखते आगे दिखाते हैं कि ये कैसे मतलब रोटी बन रही है, और आगे इसी मशीन की। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू मुसलमान बना दिया, और आगे अपने तुम्हारे हिस्से को कोई लेना नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये मशीन आपको दिख रही है सामने सामने, यहाँ से रोटियाँ बन बन कर जा रही हैं, और अंदर से यहाँ से सिक सिक कर पीछे जा रही हैं। यानी कि बहुत बड़ी मशीन है फुलका बनाने वाली। चलिए हम और भी आगे चलते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। इन्होंने क्या किया कि बिना दियो मारे तो मरता, ना यू ज्ञान मारता। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लोग कितने बड़े गंजे को एक ट्रॉली पर ले जा रहे हैं। बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर गंजे हैं और कढ़ाइयाँ हैं, तो देखना भी आपको आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं भगत लोग बर्तन लेके जा रहे हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। देख सकते हैं भारत लोगों के भोजन के लिए बहुत ही बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ाई गई, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देख सकते हैं आप। देख सकते हैं कि बेसन को छान रहे हैं बूंदी बनाने के लिए, क्योंकि बूंदी के लड्डू बहुत ही ज़्यादा बने हैं और अभी बन भी रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा आ रही है भक्तों की। तो
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये जलेबी है, देखिए जलेबी राम है और यहाँ पर लड्डू भी बहुत सारे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी।